देखिए, चुनाव जीतने के बाद जिसको कुर्सी मिलनी थी उसको मिल गई, लेकिन हारने वालों का क्या? उन्हें कुर्सी क्या, कोई स्टूल तक देने को तैयार नहीं है। लेकिन हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम हार जीत से भेदभाव नहीं करते, क्योंकि हमारे लिए सभी बराबर हैं, लूजर्स। और इसी चुनावी स्पिरिट को आज हम सेलिब्रेट करेंगे हमारी इलेक्शन स्पेशल सीरीज के आखिरी एपिसोड में विद अ वेरी ओन खटिया अवार्ड। कुर्सी नहीं तो खटिया सही। हमारा पहला अवार्ड है द बेस्ट निकनेम एंड द नॉमिनीज आर। सबसे पहले अखिलेश यादव का योगी जी को चिलम जीवी कहना। ये चिलम जीवी कभी उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पे नहीं ले जा सकते। बदले में योगी जी का अखिलेश को बबुआ कह के पुकारना। और बबुआ से तो बोलना ही क्या है भाइयों बहनों, बबुआ तो। अबे अभी तो कहा था कि बबुआ से तो क्या ही बोलना, ये अभी से अपनी बातों से मुकर रहे हैं। भाइयों बहनों, बबुआ तो अब्बा जान की राह पर। बंद कर दो, समझ गए अब्बा जान क्लासिक। आर नेक्स्ट नॉमिनेशन इज बबुआ कॉलिंग चिल्लम जीवी, नॉट माय वर्ड्स बट अखिलेश इज अ कंप्रेसर। हमारे मुख्यमंत्री कोई कंप्रेसर है क्या जो ठंडा कर देंगे हमारा आपको? एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, मतलब बाकी पॉलिटिशियंस एक दूसरे का नाम रख रहे थे, लेकिन हमारे अगले नॉमिनी ने अपना नामकरण खुद ही कर दिया। शायद मैं दुनिया का सबसे स्वीट आतंकवादी होऊंगा। क्या कुछ नहीं देखा इलेक्शंस में, मतलब बिजली की भी जाति, मजहब, स्वीट टेररिज्म। एंड नाउ डोंट बी सरप्राइज्ड अगर 2024 के चुनाव में आपको आतंकवाद भी भुजिया की तरह खट्टा मीठा, सॉल्टेड या फिर वीगन देखने को मिले। ये ऐसी हास्यास्पद बात है जिसको मतलब सुन के ही हंसी आती है। सो द फर्स्ट एवर खटिया अवार्ड फॉर द बेस्ट निकनेम गोज टू अरविंद केजरीवाल फॉर कॉलिंग हिमसेल्फ अ स्वीट आतंकवादी। आइए जुड़ते हैं हमारे स्वीटू से और जानते हैं उनकी फीलिंग्स। हम होंगे कामयाब। नेक्स्ट अप इज द अवार्ड फॉर द बेस्ट सॉन्ग। जी हाँ, ये एक अपकमिंग कैटेगरी है और इस बार तो चुनाव के पहले कुछ फेजेस में रैलीज भी बंद थी, तो पॉलिटिकल पार्टीज ने उस चीज का इस्तेमाल किया जिसकी हमारे एजुकेशन सिस्टम में कोई जगह नहीं है, क्रिएटिविटी। देखना अगले चुनाव में हम लोग बेस्ट इंस्टा रील का भी अवार्ड दे रहे होंगे, बट फिलहाल के लिए लेट्स टेक अ लुक एट द नॉमिनीज फॉर द बेस्ट सॉन्ग। सबसे पहले वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी की पेशकश, अ सॉन्ग सन बाय द लीड सिंगर ऑफ बीजेपी बैंड ऑफ बिहारी बॉयज रवि किशन, यूपी में सब्बा। कबो न रहल उ अब्बा, यूपी में सब्बा। नेक्स्ट अप इज अ सॉन्ग बाय एन इंडिपेंडेंट सिंगर नेहा सिंह राठौर, किसानन के छाती पे रंगत मोटर कार बा, ए चौकीदार बोल के जिम्मेदार बा, कबा यूपी में काबा। मतलब यूपी में कांग्रेस से ज्यादा फाइट और काउंटर अटैक तो ये नेहा के एक गाने ने ही कर दिया था, मतलब एटलीस्ट सोशल मीडिया पे तो। अगला नॉमिनेशन है आम आदमी पार्टी का पंजाब इलेक्शन वाला कैंपेन सॉन्ग। भाई राघव चड्ढा को छोड़ो, किसी ने वो टोपी वाले बंदे को नोटिस किया था? मतलब इतना खुश कोई आर्टिस्ट अभी होता है जब पेमेंट एडवांस हुई हो। नेक्स्ट अप इज कांग्रेस का विमेंस डे कैंपेन, जो कि शायद गलती से चुनाव के दौरान रिलीज हो गया था, और इससे किसी का फायदा हुआ था तो वो हुआ था उस क्रिएटिव एजेंसी का जिसने ये एंथम बनाया था। And the award for the best song goes to, goes 3, goes 4, Neha Singh Rathore! UP में काबा, जिंदगी झंडवा, फिर भी घमंडवा। देखिए अब इलेक्शंस में गाने वाने बज रहे तो नाचना क्यों नहीं होगा, और उसी को सेलिब्रेट करते हुए हमारा अगला अवार्ड है द बेस्ट डांसर। सबसे पहले प्रियंका गांधी डांसिंग विद द वुमेन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी इन गोवा। किसे पता था कि ये पूरे चुनावों में इनकी बेस्ट परफॉर्मेंस रहेगी, मजा आया। अगला नॉमिनेशन है स्मृति ईरानी ट्रेडिशनल डांस इन इम्फाल, एंड लेट्स जस्ट होप कि बीजेपी अब मणिपुर में चुनाव जीतने के बाद जनता को ना नचाए। आवर नेक्स्ट कंटेस्टेंट इज रिप्रेजेंटिंग टीम बॉयज, गिव इट अप फॉर मिस्टर चन्ने। ये जितना कोऑर्डिनेशन इधर डांसिंग में लग रहा है उतना पार्टी में होता तो सीएम कैंडिडेट दो जगह से नहीं हारता। चलाओ एक बार और क्लिप। हमारा आखिरी नॉमिनेशन है मणिपुर के सीएम मिस्टर बीरेन सिंह एंड गैंग।
तुझे मालूम नहीं। सॉरी, ये गाना पीछे से हमने खुद से डाल दिया। भाई मैं क्या करूँ, मैं जब भी किसी बुजुर्ग को नाचते हुए देखता हूँ मेरे दिमाग में ये गाना ऑटोमेटिकली बजने लगता है। तू अभी तक है हसी और मैं जवान। लेकिन मूविंग ऑन, द अवार्ड फॉर द बेस्ट डांसर गोज टू चन्नी जी। देखिए, वैसे तो हमारे सारे न्यूज चैनल्स मोस्टली टॉक्सिक ही हैं, लेकिन इलेक्शंस के टाइम पे उनका सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि जो उन्होंने पिछले साल कचरा किया था उसको टॉप करना। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमारा अगला अवार्ड है द बेस्ट ग्राफिक्स बाय अ मीडिया चैनल। सबसे पहले एबीपी न्यूज, जिन्होंने अपने स्टूडियो में लाशें ही बिछा दी साइकिल की। हमारे अगले नॉमिनी है जी न्यूज, मतलब जिन्हें पंजाब इलेक्शंस का रिजल्ट देखने के बाद दुख तो बहुत हुआ होगा, लेकिन ग्राफिक्स टीम ने अपना काम बखूबी किया है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है उस एक्टिविस्ट का जिसका नाम है अरविंद केजरीवाल, इस ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे देखते हैं आप? नेक्स्ट अप इज आज तक, जिन्होंने अपने स्टूडियो में वाराणसी का घाट ही बना दिया। कुछ महत्वपूर्ण डेटा भी आपके लिए निकाल कर रखे हैं जिससे आपको ये समझ में आएगा कौन सी जाति। अबे नीचे मत गिर जाना, इतना कोने में खड़ी हो। अरे मैं भी ना भूल ही गया, ये तो पहले से ही गिरे हुए हैं। किस साथ मैं हूँ अंजना ओ मोद। और लास्ट नॉमिनी इज इंडिया टुडे, जिन्होंने चुनाव जीतने के बाद योगी जी को योगी डी बना दिया, यानी कि डांसर। एंड हियर यू कैन सी दैट दिस सेलिब्रेशन हैज बीन गोइंग ऑन फॉरएवर। एंड द अवार्ड फॉर द बेस्ट ग्राफिक्स गोज टू जी न्यूज। आइए आपकी बात करवाते हैं सीधा सुधीर बगचौर चौधरी से, और जानते हैं कि वो हमारे खटिया अवार्ड मिलने के बाद क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू, हिंदी में कहते हैं धन्यवाद, उर्दू में कहते हैं शुक्रिया। हमारा अगला अवार्ड है गवर्नमेंट्स चॉइस बेस्ट जर्नलिस्ट अवार्ड, आल्सो नोन एज प्रचार मंत्री। सबसे पहले सुधीर जी चिलिंग विद आवर वेरी ओन योगी डी। और ये नारा जब उन्होंने दिया यूपी प्लस योगी बहुत उपयोगी, आप मंच पर बैठे हुए थे और मैंने देखा अचानक से आप मुस्कुराने लगे, तो ये नारा, ये जो स्लोगन था, ये पहले डिस्कस हुआ था या अचानक आपको भी उसी समय पता चला? इसका दुख हो रहा है कि क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में कि पापा ने वो मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं किया। आपसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता। हमारा अगला नॉमिनेशन है मोदी जी का सुपर एक्सक्लूसिव चुनावी टेलीफोनिक इंटरव्यू। एक एक मिनट आपका सरकारी काम में कैसे इन्वॉल्व रहता है, उसके बाद चुनावी रैलियां उत्तराखंड उत्तर प्रदेश कैसे मैनेज करते हैं, थकान नहीं होती कभी? नहीं होती, क्या थकान महसूस होगी, चार्टर प्लेन में चलते हैं, महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, तुम बताओ तुम्हें थकान महसूस नहीं होती हर बार यही सेम हुए थके हुए सवाल पूछ के? सर मेरे लिए रहना चाहिए। जी सर आई एम श्योर ये आदमी को शादी के खाने में भी चाट ही सबसे ज्यादा पसंद होगी। जी सर। हमारे अगली नॉमिनी है बीजेपी इज वेरी ओन, आई मीन सुदर्शन टीवी इज वेरी ओन मिस्टर सुरेश चावंके। दोनों का अंदर बाहर से ड्रेस भी एक ही है। अरे योगी जी, इसमें इतना शर्माने वाली क्या बात है यार, हमारे केवल कपड़े ही समान नहीं है, विश्वास करता हूँ भावनाएं भी समान होंगी। उम्मीद ही नहीं, मतलब सीधा विश्वास है, ये पावर है गोदी मीडिया का। Our last nomination for the most prestigious प्रचार मंत्री अवार्ड is someone who more than a journalist should be an acting coach. योगी जी, जाने से पहले एक सवाल पूछना चाहती हूँ। तो पूछ लेना, क्यों बिठा रखा है उनको, ये सो कॉल्ड सवाल तो वैसे भी इंटरव्यू शुरू होने से पहले अप्रूव हो गए होंगे। गाने बड़े बन रहे हैं हर पार्टी के, तो सब पूछ रहे हैं यूपी में काबा, आप क्या कहें? सब्बा। मतलब सुनते ही चेहरा एकदम से खिल उठता है, as if कि कमल हो, आप क्या कहें? सब्बा। And the government choice best journalist award goes to telephonic interview वाले मिस्टर देवेंदर। आज मैं यूएस में से कुछ डॉक्टर से बात कर रहा था, भारत के कोविड के खिलाफ अभियान को लेकर बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे थे, और वहाँ पे इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि कितना सक्सेसफुली भारत ने इस पूरे अभियान को हैंडल किया। अबे हैंडल तो किया, लेकिन विद केयर नहीं बल्कि केयरलेसनेस, इस बात पे भी अप्लॉज लगाओ। आखिरी एपिसोड है, मैं अपने पूरे मजे लेके जाऊंगा। नेक्स्ट अप इज द अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्टर एंड द नॉमिनीज आर। सबसे पहले समाजवादी पार्टी के मिस्टर योगेश वर्मा, जिन्होंने दूरबीन लगा के ईवीएम पे नजर रखी। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। नेक्स्ट अप इज बीएसपी के अर्शद राणा, जिनका पार्टी ने रिश्वत देने के बाद भी टिकट काट दिया और उनका तमाशा बना दिया। मेरे को कभी इस तरह सोचा नहीं था।
आप परेशान मत होइए। मैं परेशान मत होइए का क्या मतलब? वो बंदा पूरा तामझाम लाके रिकॉर्डिंग करवा रहा है और तुम पीछे से बोल के उससे लाइमलाइट छीनना चाहते हो। मुझे अंदर मिटा के यूं कहते हैं कि मैं तेरे जगह हम किसी और को चुनाव लड़ा रहे। आप देख रहे होंगे अखबार में डेली का हेड भी देख रहे होंगे, सारे होर्डिंग सब कुछ मैं कर रहा हूं। उसके बाद में मेरे साथ ऐसा। हमारे अगले नॉमिनी है बीजेपी के मिस्टर भूपेश चौबे, जिन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के आगे फिट इंडिया मूवमेंट को एक नया इंटरप्रिटेशन दिया। आज लास्ट नॉमिनेशन इज स्वयं मोदी जी, मतलब जिन्होंने अपेरेंटली पंजाब में हुई अपनी सिक्योरिटी ब्रीच के बाद कहा था कि अपने सीएम को कहना कि मैं जिंदा लौट आया हूँ। ये ट्वीट प्रधानमंत्री ने ये बात कही है। द विनर ऑफ फर्स्ट एनुअल खटिया अवार्ड, द अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्टर गोज टू मोदी जी। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स अ लॉट। हमारा अगला अवार्ड है द बेस्ट ओवर एक्टर। नॉमिनीज पेश किए जाएं। सबसे पहले आम आदमी पार्टी के जोगिंदर सिंह, जिन्होंने अपना यूपी में नॉमिनेशन कैंसिल होने के बाद अपने आप को ही आग लगाने की कोशिश कर दी। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। नेक्स्ट अप इज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट निर्मेश मंगल, जो कि अपेरेंटली बीमार होने के बाद एम्बुलेंस में कैंपेनिंग कर रहे थे। आप इस बार चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अरे बताए। अगले नॉमिनी है वो इंसान जिन्होंने पीपी किट पहन के अपना नॉमिनेशन फाइल किया बिकॉज कोविड। हमें भी बचाना है और आप लोगों को भी बचाना है इस वायरस से है और जनता को भी। थैंक गॉड ये आदमी एड्स के खिलाफ अवेयरनेस नहीं फैला रहा था, नहीं तो फिर सड़कों पे ट्रैफिक के साथ साथ कॉन्डम भी दिखता। लास्ट नॉमिनेशन इज आम आदमी पार्टी के आशीष जायसवाल, जो कि एक डॉक्टर है इसीलिए वो अपना नॉमिनेशन फाइल करने एम्बुलेंस में पहुंचे। मेरे एम्बुलेंस से आने का बस एक ही उद्देश्य है कि आप सबके माध्यम से लोगों के बीच में, नेताओं के बीच में, राजनीति में स्वास्थ्य की व्यवस्था प्रथम प्राथमिकता पर हो। अब सीधा सीधा बोलना कि भाई देश इमरजेंसी में था इसीलिए एम्बुलेंस लेके घूम रहा हूँ, कुछ और नहीं तो अच्छी हेडलाइन ही बन जाती। द अवार्ड फॉर द बेस्ट ओवर एक्टर गोज टू अपने आप को आग लगाने वाले मिस्टर जोगिंदर। नेक्स्ट अप इज द अवार्ड फॉर द बेस्ट डायलॉग कॉमेडी एंड द नॉमिनीज आर। सबसे पहले अमित शाह का ब्रेन फेड मोमेंट, मतलब 12वीं पास करके इंटर में एडमिशन लेने वाला कॉमेंट। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो, 12वीं पास कर जो भी इंटर में एडमिशन लेगा। नेक्स्ट अप इज राजनाथ सिंह का पॉप कल्चर रेफरेंस। कॉन्टेक्स्ट, बीजेपी के उत्तराखंड में सीएम कैंडिडेट का नाम था पुष्कर, मगर कांग्रेस वालों को लगने लगा था कि पुष्कर फ्लावर है, फूल है, लेकिन इसके बाद राजनाथ सिंह ने पुष्कर की कड़ी प्रशंसा की और कहा कि अपना पुष्कर फ्लावर भी है और अपना पुष्कर फायर भी है और अपना पुष्कर लूजर भी है क्योंकि वो चुनाव हार गया। हमारा अगला नॉमिनेशन तो बहुत ही ऑब्वियस है, मतलब गडकरी जी का फ्लाइंग जुमला। प्रयागराज में हवा में चलने वाली बस चलाएंगे रोड के ऊपर से, यही लगाएंगे। आखिरी नॉमिनेशन फॉर द बेस्ट डायलॉग कॉमेडी के लिए कोई नेता नहीं, अभिनेता नहीं, बल्कि एक सिविलियन जिसने मीडिया की ही क्लास लगा दी। ये टार्चे चार्ज हो रही, इनसे क्या होता है? मुझे होते और क्या होते हैं, तो बहुत ही आदमी है। सुनो तो। And the award for the best dialogue comedy goes to Mr. Jhuggi Lal, जो कि सीधा जुड़ रहे हैं हमारे साथ। झुग्गी लाल जी, मेरी तारीफ में प्लीज दो शब्द कहिए ना। सुनो तो। हमारा अगला अवार्ड है मोस्ट क्रिएटिव इलेक्शन कैंपेन। नॉमिनीज दिखाए जाएं। फर्स्ट अप इज बीजेपी के टी राजा, जिन्होंने वोट मांगने के लिए जनता को ही धमकी दे डाली। क्रिएटिव, जो जो लोग योगी जी को सपोर्ट नहीं करें उन सभी एरियाज को आइडेंटिफाई किया जाएगा और पता है ना जेसीपी और बुलडोजर किसके लिए यूज में आते हैं। नेक्स्ट अप इज समाजवादी पार्टी का इनोवेशन, समाजवादी इत्र। रंग भी लाल हरा रखा है आपने, अगर कहीं दूसरी जगह चली जाए ये बोतल, खुशबू बदल पाए ना बदल पाए लेकिन रंग जरूर बदल देंगे। अगले हैं केशव प्रसाद मौर्य, जिन्होंने गलती से वो बात बोल दी जिसकी हमारी देश की राजनीति में कोई जगह नहीं है। सच, देश में फिर से एक बार हम 300 पार करके उत्तर प्रदेश में कमल की सरकार बनाए, सुशासन दें, विकास दें, गुंडागर्दी दें। हमारे आखिरी दावेदार है यूपी में फिरोजाबाद के एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, जिन्होंने वोट मांगने के लिए अपने हाथों और पैरों में जंजीरें बांध दी। और इतना ही नहीं, वो बाकी नेताओं की तरह दोगले नहीं थे, मतलब जनता के बीच झूठे वादे नहीं, ऑनेस्टली कटोरा लेके गए। And the award for the most creative election campaign goes to Mr. T. Raja, जिन्होंने प्रूव कर दिया है कि अगर आपको जहर फैलाना है तो उसके लिए गाड़ी में बैठने की कोई जरूरत नहीं है। तो बेटा अगर उत्तर प्रदेश में रहना हो तो योगी योगी कहना होगा, नहीं तो उत्तर प्रदेश छोड़ के तुम लोगों को भागना होगा।
हमारा आज का आखिरी अवार्ड है स्पेशल अपीयरेंस अवार्ड। क्या टेक्निकली ये अवार्ड तो हर नेता को मिलना चाहिए क्योंकि वो सिर्फ चुनाव के दौरान ही जनता के बीच में जाते हैं, पर कोई नहीं, सह लेंगे, नॉमिनेशन चलाए जाए। सबसे पहले ममता बनर्जी, जो मोदी जी के अकॉर्डिंग उनकी दोस्त हैं। बहुत दोस्त है ये ममता दीदी। साल में आज भी मुझे एक दो कुर्ते खुद सिलेक्ट करने जाती है। अच्छा। मेरे लिए एक दो कुर्ते भेजती है। लेकिन उस चुनाव में मोदी जी की फ्रेंड, अगेन नॉट माय वर्ड्स, मोदी जी ने खुद कहा है, मतलब ममता बनर्जी यूपीआई कुर्ते डिलीवर करने, लेकिन मोदी जी को नहीं, अखिलेश को। वीडियो में ममता अखिलेश को तोहफा भी देते दिख रही हैं। हमारा अगला स्पेशल अपीयरेंस अवार्ड का नॉमिनी है बाबा का बुलडोजर। इसकी दीवानगी लिटरली और मेटाफोरिकली लोगों के सर तक पहुंच गई। लेकिन आखिर क्यों? क्यों क्या, माँ बाप ने दो चार थप्पड़ लगाए होंगे। हिट लाइक इफ यू रिलेट। हमारी तीसरी नॉमिनी है द वायरल पोलिंग ऑफिसर रीना द्विवेदी। याद है ना आपको पीली साड़ी वाली ये चुनाव अधिकारी। आई एम श्योर अभी हर यूपी इलेक्शन में वायरल होने वाली है। सो बेसिकली सिर्फ नेताओं पे ही नहीं बल्कि इन पे भी फुल प्रेशर रहेगा अपनी ड्रेसिंग गेम अप करने का, क्योंकि हमारे मीडिया वाले महंगाई से बढ़कर इनके कपड़े डिस्कस करने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। और आज ये वेस्टर्न लुक में है, हालांकि साफ तौर से मानना है कि एक इमेज को संयोज के नहीं रखना चाहती है, बदलना चाहती थी। अब ये बताओगे कि तुम बदलोगे कि नहीं? नहीं। हमारा आखिरी नॉमिनेशन एंड स्पॉइलर अलर्ट, स्पेशल अपीयरेंस अवार्ड का विनर है जनता के मुद्दे। जी हाँ, 5-6 साल लग गए लेकिन इस बार यूपी के चुनावों में मेरे जैसे लोगों को भी पता चला कि स्ट्रे एनिमल्स को हिंदी में छुट्टा जानवर कहते हैं। और ये प्रॉब्लम यूपी में इतनी बड़ी है, भाई चुनाव खत्म हुए हैं, मुद्दे नहीं, कि बीजेपी को मिड इलेक्शन से एक्नॉलेज भी करना पड़ा। भाइयों बहनों, जो पशु दूध नहीं देता है उसके गोबर से भी आय हो, ऐसी व्यवस्था मैं आपके सामने खड़ी कर दूंगा। भाई वो व्यवस्था तो आपने ऑलरेडी खड़ी कर दी है मोदी जी, सिलेंडर के दाम बढ़ा के। और एक दिन ऐसा आएगा कि छुट्टा जो पशु है ना, लोगों को लगेगा यार घर में इसको बांध लो, इससे भी कमाई होने वाली है। और मोदी जी, मेरी आपसे एक अपील है, ये छुट्टा जानवरों के साथ साथ अपनी पार्टी के छुट्टे नेताओं को भी आप थोड़ा कंट्रोल में रखना। मतलब इतने बड़े मैंडेट के बाद तो एरोगेंस नेक्स्ट लेवल पे होगा। पर एक चीज का ध्यान रखना, जनता का मूड बदलते हुए देर नहीं लगती। पता चले कहीं वो आपकी पार्टी के छुट्टे नेताओं को ही ना बांध दे, क्योंकि गोबर सिर्फ जानवर ही नहीं फैलाते। फ्रेंड्स, नाउ इज द टाइम टू थिंक लॉजिकली। हाय गाइस, आई होप आपको हमारी इलेक्शन स्पेशल सीरीज चुनावी गेम्स देख के मजा आया होगा। और अगर आपने पुराने एपिसोड्स नहीं देखे, कितना प्यार से बोल रहा हूँ, ऐसा लग रहा है किसी कर दूं कैमरा को। अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताओ कि अगले हफ्ते से सिर्फ मैं ही आपको मिस करने वाला हूं या आप लोग भी करेंगे। एंटिल देन, थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।